जय सद्गुरुदेव की जय। अपनी बातचीत जहां कल मैंने छोड़ी थी वहीं से शुरू करूंगा। मैं एक बात पुनः रिपीट कर रहा हूं, धीरे धीरे वैज्ञानिक साहेब की चीजों को स्वीकार करेंगे। उनकी आइडियोलॉजी जिन देशों के बारे में बोल रहे हैं उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। क्रिस्टोफर नोलन अगर ऐसी फिल्में बना रहा है, इंसेप्शन जैसी फिल्में, जिसमें वो बता रहा है कि और भी प्लैनेट हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर एक और बॉडी मिल जाती है कहीं से निकलने के बाद। साथ में वो उसमें यह भी कह रहा है कि एक दूसरे की तरंगे दूसरे तक पहुंचती है, जो अंदर की फीलिंग। तो निसंदेह अब यहां भी साहब क्या कह रहे हैं, सूरज से देख सकी वह देश। एक्चुअल वो कंसंट्रेशन से ही तो देख रहा है, पर सवाल ये उठा आखिर क्रिस्टोफर नोलन को ये नॉलेज कहां से आया। मैं ये बताना चाहता हूं, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। एक तरफ ये मान्यता है हम सबकी कि आत्मा ज्ञानमयी है, उसकी व्याख्या में भी आती है। इसलिए यूं भी आया है, एक उस तत्व को जानने के बाद बाकी कुछ जानना शेष नहीं रहता है। मैं अनेकों बार एक बात बोल चुका हूं, ये मेरी स्वानुभूति है, मैं उन यात्राओं को करता हूं। एवन एलेक्जेंडर जो स्वर्ग का प्रूफ दे रहा है वो तो बहुत नीचे की बात है। मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कसे खोई दे। अब वो वहां उसमें क्रिस्टोफर नोलन कह रहा है कि वहां पर अलग एलिमेंट्स है, वहां अलग ऊर्जा है, अलग ताकत है। अब यहां साहब ऐसी जगहों की बात कर रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। मैं कह रहा हूं मैं इसको प्रूव करता चलूंगा जब तक मेरी लाइफ है, वो देश है। साहब बार बार अपनी वाणी में एक बात कह रहे हैं, अब तू बेगम देश हमारा है, वेद के तेव पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है। इसका वेदों को बोना कर रहे हैं नहीं, अपनी वाणी में साहब एक जगह बड़ा अच्छा कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है। वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं। जौन भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। आप चौंकेंगे। यहां क्या है, आपको मैं एक छोटा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी, किसी राष्ट्र का विरोधी नहीं हूं, मेरा ये काम ही नहीं है। हमारे लिए तो संपूर्ण विश्व एक जैसा ही है। यहां एक प्रश्न उठा, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, वेदों ने जानत ना है, वेद हमारा भेद है। एक बात में कह रहे हैं वेद मेरा भेद है, हम वेदों के मां। मेरी थोड़ी इंट्रोडक्शन वेद से मिल सकती है, पर आगे क्या बोल रहे हैं, जौन भेद में मैं रहूं, मैं जिस पॉइंट पर रहता हूं वेद भी जानत ना है। और साक्षी देता हूं वेद निराकार तक बोलकर आगे बोल रहा है नेति नेति नेति, आगे भी कुछ है, यही खत्म नहीं है। और साहब फिर वाणी में क्या कह रहे हैं, को कहे वेद झूठा, को कहे वेद झूठा, सो झूठा जो वेद न विचारा। मैं घमंडी नहीं हूं, एक आदमी बंबई की बात पढ़कर बोल रहा है, एक आदमी बॉम्बे में घूम करके आया है, मेरे विचार से दोनों के विवरण में बहुत बड़ा अंतर होगा। मैं उन देशों की बात जो कर रहा हूं, मैं वहां जाता हूं, सूरज से देख सकी वह देश, मैं जाता हूं। निसंदेह एवन एलेक्जेंडर ने जब स्वर्ग की बात की तो उसने कहा मेरा ये लक्ष्य है। अब जब वहां से कोमा में जाकर के आया, वो एक अवस्था थी कोमा,
वो बोला मेरा अभी एक लक्ष्य है कि समाज को चेतन करूं, वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, कि जिन देशों का वर्णन हीवेन आदि का बाइबल में वो सच है। अब वो भी उसमें एक जिक्र कर रहा है, एमिन अलेक्जेंडर भी, कि एक घोर अंधकार था, मैं उसमें खो गया, पर उस अंधकार में एक छोटी सी किरण थी, छेद था, मैं उससे निकल गया। साहब क्या करें, बहुत बारीक रास्ता है, सूक्ष्म गति और अति बढ़ला जानी। अब यहां जब तक आपके ब्रेन में ये सब दुनिया की चीजें हैं, तब तक आप उस अवस्था को प्राप्त ही नहीं कर सकते। इसका फिर दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि तब आप, ये आपका ब्रेन, आपका कंसंट्रेशन इन दुनिया की चीजों में उलझा रहेगा। जब आपका कंसंट्रेशन इसमें पूरा उलझा हुआ है, तो उसी कंसंट्रेशन से अंदर की दुनिया देखनी है। तो यहां है कबीर साहब एक बात कह रहे हैं, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। आगे एक शब्द जो कह रहे हैं, सूरत से देख सकी वदिश, इसका मतलब है वहां हम कंसंट्रेशन से जा सकते हैं, इस बॉडी से नहीं जा सकते हैं, इस चेतना से नहीं जा सकते हैं, इस अवस्था में नहीं जा सकते हैं। यहां फिर पुष्टि कर रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहविद आवे हाथ, कहे कबीर भेद ही लिया तो पल में देद लगा। फिर मैं पुष्टि कर रहा हूं, मीराबाई भी उस देश की बात कर रही है। मुझसे एक बार एक मौलवी से मेरी बात हुई, मौलवी से मेरी क्या बात हुई सुने, मैंने उनसे पूछा आप किसको मानते हैं, बोला एक खुदा को। बिल्कुल ठीक है, नानक एको सुमरिय जल तर रहा समय, मैं बोला खुदा का अस्तित्व, खुदा के अस्तित्व का परिचय तुम्हें किससे मिला, बोला हजरत कुरान शरीफ से मिला, हजरत मोहम्मद साहब 7 आसमानों का सफर किए, खुदा का संदेश उन्हें मिला। मैंने उनसे एक बात पूछी, क्या हजरत मोहम्मद साहब ने खुदा को देखा, उनके मेराज की जो 7 आकाशों, 7 आकाश के सफर की बात है, इसको साहब ने वाणी में 7 सूरत कहा। अब यहां क्या करें, 7 सूरत के आगे समृत, 7 सूरत के आगे समृत, समृत कहते प्रभु को ना, वहां देश बसाया। वेद किताब पार नहीं पावत कहन सुनन से न आ रहा। अब यहां एक सवाल उठा, उनके मेराज में, हजरत साहब के मेराज में एक शब्द आता है कि वो 7 आसमानों का जब सफर किए, एक पल में इतना सफर करते थे कि तुर्की घोड़े अगर 500 साल हवा के वेग से भी जाएं, तो भी एक वो सफर 500 साल में नहीं कर सकते थे, और मोहम्मद साहब वो सफर कर रहे थे एक पल में। खुदा से पूरी बातें भी हुई वहां, आप अध्ययन कीजिए ना सभी धर्मशास्त्रों का। और जब वहां से लौट के आए, तो दरवाजे की जो कुंडी हिल रही थी, वो कुंडी भी हिल रही थी, अभी नहीं रुकी थी,
वो कुंडी भी यानी कितनी जल्दी। अब यहां साहब क्या करें, पल में देह पहुंचाए। अब मैं मौलवी साहब से पूछा, मैंने कहा भाई मैं तो मानता हूं वो गए होंगे, गए हैं, इसका जिक्र आता है, मैंने सभी धर्मशास्त्रों से पूछा पढ़ा। आगे मैं उससे उनसे पूछ रहा हूं, बोला जो खुदा ने बातें बोली हजरत मोहम्मद साहब ने, उनके अंदर वो प्रविष्ट कर दी, कितनी देर में पूरा, इतनी देर में पूरा प्रवेश किया। एक ये टेक्नोलॉजी है और वास्तविकता है। चलो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं कह रहा हूं कि हजरत मोहम्मद साहब ने खुदा को नहीं देखा वो बोल रहे हैं, लेकिन जब उनसे खुदा से बात हो रही थी बीच में पर्दा था, मौलवी साहब मुझे बोल रहे हैं बीच में पर्दा था। मैंने बोला भैया जो पर्दा था मुझे आप समझाओगे क्या, कैसा पर्दा है? नायलॉन का था, लकड़ी का था या किसका था, मुझे ये बताइए। यहां मौलवी साहब अटक गए। मैंने कहा मौलवी साहब मैं आपको बताता हूं पर्दा कौन था, निरंजन का आवाज शून्य में है, इसलिए बेचुना खुदा निरंजन को कहते हैं। अंधकार में कोई आदमी अगर आपसे बात कर रहा है उसका अस्तित्व नहीं दिखता है लेकिन उसकी वाणी आती है। अब यहां ये सवाल हुआ हजरत मोहम्मद को ये कैसे पता चल गया पूरा, जो जो कुरान शरीफ में इतनी हदीस इतनी वो चीजें हैं कैसे पता चला? एक बलगेंद्र, हां इसको कोई मौलवी बयान नहीं कर सकता है, आप सुने वो क्यों, ये एक टेक्नोलॉजी है, उसको ध्यान से सुनना। मैंने इसका उल्लेख पहले भी किया है, जब लव कुश सीता जी को शरण वाल्मीकि ऋषि नहीं दी थी, बाकी कोई नहीं दिया था, तो उनके उस समय वो गर्भिणी थी, दो पुत्र हुए थे लव कुश। आप रामायण का भी अध्ययन करो ना, आपको सार और निचोड़ मिल जाएगा। एक बात तो बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं, पुस्तकों के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान होता है, क्योंकि ब्रेन की जानकारी उसको प्राप्त हो जाती है, ठीक है, अध्यात्म नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। तो वाल्मीकि जी ने उनको कहा देखो जितना भी मैं तत्व ज्ञान सभी चीजें तुम्हें देना चाहूं इसमें लंबा टाइम लगेगा, इसलिए तुम कंसंट्रेट हो जाओ, जो मेरे अंदर पूरी चीज है वो तुम में ट्रांसमिट कर दूंगा कंसंट्रेशन से। रामायण में उल्लेख है दोनों बालक कंसंट्रेट हुए, वाल्मीकि जी ने पूरी थ्योरी और पूरी थीम थ्रो कंसंट्रेशन उसमें समा दी विद इन नो टाइम। इसी प्रकार से बेचुना खुदा ने, निरंजन ने हजरत मोहम्मद साहब के पास जो भी उसमें लिखा है वो ट्रांसमिट किया, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं इसका फिर प्रमाण दे रहा हूं, आज वैज्ञानिक एक जिद पर हैं, इंसान को अमर करना है। पहले इन्होंने कोशिकाओं को टूटे नहीं, केमिकलाइज किया, जिससे कोशिकाओं के टूटने के कारण ही बुढ़ापा आता है, और वृद्धावस्था में बुढ़ापे की वजह यही है, इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, इसलिए क्योंकि पाचन क्रिया भी कमजोर हो जाती है, ब्लड उतना नहीं बन पाता है, जो कोशिकाएं मैक्सिमम टूटती जाती है फिर नहीं जुड़ पाती है,
युवा अवस्था में आदमी का इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो खाता है कोशिकाएं टूटी जुड़ जाती है, फिर वो मांस लटकने लगता है, कमजोर होने लगता है। इसलिए उन्होंने बुढ़ापे का कारण तो ढूंढा वैज्ञानिकों ने, बुढ़ापे का कारण कोशिकाओं का सेल का टूटना है। इसलिए उन्होंने कहा सेल को हम केमिकलाइज या ऐसा करें कि ये टूटे नहीं, और उसमें वो सक्सेस भी हुए, लेकिन अधिक मात्रा में उन लोगों को जिनके सेल औषधियों द्वारा स्ट्रांग किए गए थे उनमें कैंसर के गुण उत्पन्न हुए। वैज्ञानिक वहां स्टॉप हो गए, उन्होंने ये माना जैसे पेड़ों की पत्ते हैं, एक गिरते हैं दूसरे नए आते हैं, ये एक प्रोसेस है, जो पत्ते वहां हैं उन्हीं को आप स्थिर रखने की ट्राई नहीं करना है, ये असंवैधानिक है। इसी प्रकार कोशिकाएं टूटे फिर जुड़े, नई आए ब्लड से फिर जुड़े, उन्होंने ये प्रोसेस बंद किया। अब वो कहां पहुंचे हैं, अब वो कह रहे हैं वो अपनी खोज शुरू किए हुए, उनकी खोजें बड़ी प्यारी हैं, आप देख रहे हैं ना, वो कहीं और जीवन ढूंढ रहे हैं। अगर वो कहीं और जीवन ढूंढ रहे हैं तो कुछ कारण है, और उनको लग रहा है कहीं जीवन है, कहीं जीवन है, पर वहां कैसी बॉडी है वो अलग बात है। वो ये भी कह रहे हैं एलियंस के पास में करोड़ों सूर्य से अधिक कहीं से एक ऐसी ऊर्जा आती है, इसलिए उनके शरीर में ताकत है। ये ऊर्जा आती है, सूर्य की ऊर्जा हम सबको मिलती है, वनस्पति और आप हम सब एक जैसे हैं। अगर आप विदेशों में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, मैं देखा जैसे धूप निकलती है सब घरों से बाहर निकलकर एक पॉइंट बगीचे वहां बहुत है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है, वहां सब इकट्ठे हो जाते हैं संवाद के लिए। उनको बताया कि सूर्य से उत्पन्न, सूर्य की किरणों से उत्पन्न होने वाली जो ताकत है हमारी बोन्स के लिए, हमारी बॉडी के लिए, वो बहुत जरूरी है, वो दुनिया की किसी और चीज से एनर्जी मिल ही नहीं सकती है, वो केवल सूर्य से मिलती है। मैं यूरोप की बात बताता हूँ, आंखें देखी तो बात कर रहा हूं ना मैं आपसे, वहां क्या है, आप अगर मकान बनाएंगे तो आपके घर में रोशनी आनी चाहिए, सूरज की नहीं आ रही तो आपका घर दूषित। ब्रिटेन की हालत है, अगर आपके पास 4,000 स्क्वायर फीट जमीन है, यू कैन कंस्ट्रक्ट ओनली 1,000 एंड 3,000 इज ओपन एरिया मोस्ट नेसेसरी इन फ्रंट एंड बैक साइड। तो इस तरह से हम सबको सूर्य की ऊर्जा मिल रही, पर एक ऐसी ताकत है जिसकी ऊर्जा हम इनडायरेक्ट ले रहे हैं, वो आदमी नहीं पता, उसको आदमी को नहीं पता चल रहा है। आत्मा का सूत्र परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, आपके पास एक ऊर्जा आ रही है, पर वो वैसा ही है। मैंने इसका भी उदाहरण दिया था, आर्मी में जब युद्ध के टाइम पर बैटल लगती है तो सबके पास यानी कमांडरों के पास सेट होता है, वायरलेस सेट, जो छोटे कमांडर हैं उनके पास वो सेट होता है जिसकी रेंज 2-3 किलोमीटर हो, बस इतनी, क्योंकि एक प्लाटून जब डिप्लॉयड होती है तो उसका एरिया 2-3 किलोमीटर होता है। लेकिन जो कंपनी कमांडर है उसके पास जो सेट होता है NPRC 25, उसका रेंज ज्यादा है, 25 किलोमीटर है, वो हेडक्वार्टर से कनेक्ट होता है उससे, पर जो कमांडिंग ऑफिसर है उसके पास जो सेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसमें बूस्टर लगाया हुआ है, वो तो सैकड़ों किलोमीटर तक बात कर लेता है, उसमें बूस्टर लगा दिया। इस तरह से गुरु जब एक बूस्टर लगा देता है तो आपके अंदर की पिकअप ताकत बहुत बढ़ जाती है। गुरु का इतना बड़ा महात्म ऐसे ही नहीं बोला है, हम सब माता पिता को नमन करते हैं और उनके कृतज्ञता जताते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के रचयिता वो है, हमें पाला पोसा, इसलिए उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता की भावना है। इसी तरह परमात्मा के प्रति भी कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए। हमारे जीवन यापन के लिए आगे जो संसाधन है माता पिता ने नहीं पैदा किए, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश भूमि अन्य चीजें, ये उसकी देन है,
इसलिए ईश्वर से तो हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता तो हर इंसान में होनी चाहिए ही चाहिए। तो बंधुओं इस प्रकार से वहां जो बात हुई थी वो गुप्त भय अपने संग सबके मन निरंजन जानिए, तो शून्य में बात की, इसलिए वो बेचूना खुदा कह रहे हैं। अभी यहाँ हजरत मोहम्मद साहब कन्फर्म था कि मैं उनके पास एक ऊर्जा मिली थी जिसके द्वारा वो इतना दूर गए थे, पर वो निरंजन तक जाकर समाए, इसलिए वो बेचूना खुदा कह रहे हैं। इसी बात को मैं किसी धर्म और किसी धर्मशास्त्र की का खंडन नहीं करता हूं, मैं उनकी सीमाएं बता देता हूं कि वो कहां तक क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास पहले दर्जे की किताब है तो उसमें डीप व्याकरण नहीं है, उसमें सरल सरल शब्द हैं, लेकिन गहन व्याकरण के लिए आपको फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। अगर पहली कक्षा पढ़ करके आप कह रहे हैं व्याकरण आप अच्छी तरह सीखे तो आप भूल में आए। इसलिए यहां साहब एक बात कह रहे हैं, ये पूरा ब्रह्मांड निरंजन तक की उपासना करता है, उससे आगे मनुष्य नहीं जा पाता है। यहां साहब फिर एक शब्द बड़ा सटीक कह रहे हैं, ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गा ही, जो काल जीवन को सताए तास भक्त रहावे। एक महात्मा जो है उसकी पारक कोई वस्त्र नहीं है, गुणानिधि पूजा गुण नशलिंग वस्त्रम। मैं देखता हूं कि बहुरूपी की तरह काफी लोग ऐसे ऐसे अलंकरण करके आते हैं कि आदमी हंसे, ये क्या, ये तो बहुरूपी का काम है। हमारा वेद तो कह रहा है किसी भी गुणवान की पूजा उसके गुणों से होती है, वस्त्र और अलंकरण से नहीं, उम्र से भी नहीं, उसकी उपासना तो उसके गुणों के कारण होती है। इसलिए वो कह रहे हैं इसके आगे कोई ना गेहूं, थोड़ा गौर करो भाई। अब क्रिस्टोफर नोलन के पास ये नॉलेज कहां से है, आपको मैं बताता हूं। इंसान के अंदर असीम ज्ञान का भंडार है, ये ज्ञान की देही है, इसे नारायणी देही भी कह रहे हैं। इंसान नए नए खोज नई नई चीजें कर रहा है, ये पहले अंतःकरण से चीजें उठकर ब्रेन को इंटेक्ट करती है, आकर वहां टकराती है, उसके बाद फिर ये बॉडी काम करती है, इंसान रिसर्च करता है। पर मैं आपको साहब की वाणी के माध्यम से बताना चाहता हूं वो क्या बोल रहे हैं, पता है, ये काया वाह ये काया है समर्थ केरी, परमात्मा ने इसे बनाया, काया की गत काह नहेरी, यानी काया के अंदर की चीजों को कोई समझ ही नहीं पाया। आगे क्या बोल रहे हैं वो भी सुने, शिव संकादिक, हाँ ये काया है समृद्ध केरी, काया की गत काह नहेरी, शिव संकादिक पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। हो चौंकाने वाली बात है, चार युग की समाधि करने वाला शिव जी साहेब वाणी में कह रहे काया का भेद नहीं जान पाए। आगे क्या बोल रहे हैं, कबीर काया अथा है कि बिरला जाने भेद। अब क्या हो रहा है दुनिया में ये बताना चाहता हूं, साहेब की वाणी ली, कुछ भजन लिए, डफली उठाई, गीत गाए, 10-20 चेले हो गए, वो गुरुजी बन के बैठ गया और अपना रोजगार चला रहा है। वो क्या कह रहे हैं, मैं जानता हूं कबीर साहब को जानता हूं, ठीक वैसे ही है। ये इतिहास का अध्ययन तो प्राइमरी से शुरू होता है और ये मिडिल में भी होता है, सेकेंडरी स्कूल में भी होता है, ग्रेजुएशन में भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होता है। मामला क्या है, प्राइमरी में जो इतिहास में परिचय किसी का दिया जाता है मोटा परिचय है, ठीक है, लेकिन आगे जो है उसमें परिचय थोड़ा गहन होता जाता है, लेकिन जो पीएचडी कर रहे हैं या जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसमें तो यूं होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर महाराणा प्रताप को आप राष्ट्रभक्त और महान बोल रहे हैं तो अकबर को क्या बोलोगे फिर,
वहां वो क्वेश्चन आते हैं जिनके आंसर तुम्हें अपने दिमाग से खोज कर निकालना है, टू द पॉइंट निकालना है। अगर आप महाराणा प्रताप को देशभक्त महान वीर मानते हैं, आइडियल मानते हैं, तो अकबर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत डीप क्वेश्चन आते हैं। अब वहां यूं है, एक राजा होने के नाते स्वाभिमान को महाराणा प्रताप ने नहीं छोड़ा, वो अपने से कई गुना ज्यादा ताकत से भी टक्कर लेने के लिए तैयार हो गया। ये बहादुरी नहीं है? राणा प्रताप के पास तो 30,000 सैनिक थे, अकबर तो लाखों सैनिक लेकर के वहां पहुंचा था युद्ध के लिए, तभी भी वो डरा। अच्छा ठीक है, फिर अकबर के लिए फिर ये नजरिया है, सम्राट होने के नाते अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। वाह, और कुछ और चीजें बोल जाते हैं, मैंने तो अकबरवादी हूं, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं। कहने का यह मतलब है, इस तरह संतों ने तो धर्मशास्त्रों का खंडन ही नहीं किया, वो तो यहां तक साहब कह रहे हैं, वेद कहे मैं भेद न पाया, थका विचार विचारा। तो एक ऑर्डनरी, अब मैं ऑर्डनरी मेरे शब्द से निकल रही है बात, क्योंकि वो यथार्थ में अध्यात्म ज्ञाता नहीं है, उसने जीविका उपार्जन के लिए धंधा बनाया। कबीर साहब के दो चार भजन और दोहे उसने याद किए और उठा, गांव गांव घर घर घूमने लगा और चार छह देहाती भोले भाले शिष्य भी बनाया, गुरुजी बनकर बैठा, बल्ले बल्ले हो गई उसको, धीरे धीरे लोग बढ़े। बस इस तरह उसने एक डफली उठाई और गाना शुरू कर दिया। अविगत से चल आवे कोई भेद मरम ना पाया, एक डफली ने पूरा काम बना दिया उसका। कबीर साहब के चार दोहे उसने याद कर लिए, उन्होंने पूरा काम बना दिया, वो एक महात्मा हो गया, कबीर का ज्ञाता हो गया। यहां साहब ने तंज कसा है, व्यंग, इस व्यंग को तंज भी कहते हैं। कबीर का गाया गाएगा, कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में जूते खाएगा। कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में जूते खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इसलिए उस अदने से आदमी ने कबीर गुरु पंथी गुरु बनकर बैठा, नुकसान कर दिया, उसने नुकसान कर दिया, उसका आचरण उसकी हरकतें कहीं कबीर साहब की शिक्षा से मेल नहीं खा रही है। अब यहां भी साहब ने व्यंग कसा है, पेट के कारण करे गुरु आई, हाँ पेट के कारण करे गुरु, पीढ़ी सहित नर्क में जाई, अंधा अगुआ तह पुरमाही, बहु अंधे तह पाछे जाई। आज विज्ञान खोज कर रहा है, कबीर साहब का ऑडिटोरियम उधर भी बना हुआ है ब्रिटेन में, उस पर बड़े शोध हो रहे हैं उनकी वाणी पर। क्रिस्टोफर नोलन का कोई गुरु नहीं था, अपने हिसाब से थोड़ी बातचीत अंदर में घुसकर कर रहा है, पर यहां साहब एक हिदायत दे रहे हैं। ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो दाय, दाय का मतलब है बिना समझे इसमें मत घुसना। ये घट मंदिर प्रेम का मत कोई बैठो धाय, धाय यानी दौड़ के नहीं जाना इसके अंदर, जल्दी जल्दी नहीं करना। जो कोई बैठे धाय के बिन सिर से ती जाए, बिन सिर से ती चला जाएगा वो। इसलिए समुद्र में अगर आप पानी में डुबकी लगा रहे हैं तो आपको हिसाब लगाना है आपका स्टेमिना कितना है, और आपको वहां से वापस भी आना है, नहीं तो वहीं डूब जाओगे। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है गहरे पानी में जाने की, आप नहीं तो नहीं जा सकेंगे। तुलसी बिना कर्म किसी मुर्शिद रसीद के, राहे निजात दूर है उस पर देखना। इसलिए उस सत्ता का अनुभव करने के लिए गुरु के द्वारा एक अध्यात्म शक्ति की जरूरत है, नहीं तो हम जा ही नहीं सकते उस देश में। ये सिद्धांत अपील है, इसको तो गोस्वामी जी भी पुष्टि कर रहे हैं।
घृत बर मिले हैं बारी के मत थे, बार पानी को कहते हैं। सिकता से बरु तेल, सिकता रेत को कहते हैं। बरु भले ही अवधि भाषा है, मैं पिछले 50-52 साल से अवध में हूं, तो अवधि में मैं वहां सत्संग भी करता हूं, अवधि में जानता हूं। घृत बरु मिले हैं बारी के मतते, सिकता से बरु तेल, बिना गुरु भक्ति न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। अब यह क्या करें, कह रहे हैं लेकिन बिना गुरु भक्ति के ये संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, भले ही पानी को मतने से कोई कहे कि मैंने घी निकाला, असंभव है। बोला मैं वो भी मान लूंगा, गोस्वामी जी कह रहे हैं। सिकता बालू को कहते, रेत को कहते हैं। सिकता से भरु तेल, कोई कहे कि मैंने रेत को पेर करके तेल निकाला, असंभव है, कह रहे उतना भी मान लूंगा। लेकिन कोई बिना भक्ति, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति के अगर कहे संसार सागर से मैं पार हो जाऊंगा, वो नहीं मानूंगा। अभी यहां साहब ने एक चेतावनी कितनी प्यारी दी है, एग्जांपल। राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु किन, उन्होंने भी गुरु करना पड़ा। तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन, मारे सरफरे एक बेवकूफ लोग यूं कह रहे हैं कि कहीं गुरु की जरूरत नहीं है, वो क्या फैला रहे हैं समाज के अंदर में, वो शास्त्र संगत नहीं है और वो शास्त्र विसंगत है, हम शास्त्र संगत है, हम शास्त्रों का तर्क दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कचरा भरा हुआ है आदमी के अंदर। ये वैसा ही हुआ, कोई प्ले वे को खंडित करे, प्राइमरी को खंडित करे, तो वो मूर्ख ही कहलाएगा। ये पहला पायदान है शिक्षा का, इसलिए सर्वगुण भक्ति भी एक पायदान है। यहाँ धर्म स्थानों पर लोग इकट्ठे होकर जो नमाज पढ़ रहे हैं या अरदास कर रहे हैं या प्रेयर कर रहे हैं या आरती कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, इसलिए इसका खंडन करना बुद्धिमान के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि बालक की अभी क्षमता इतनी सी है, धीरे उससे उसकी क्षमता बढ़ेगी। वही नहीं अटके रहो, कबीर साहब ने यूं कहा, वही नहीं अटके रहो। रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आ गया। ये ऊर्जा कहां से गुरु देगा, जब वो पूर्ण होगा, उस सत्ता को पाया हुआ है उसको वो ला करके आपके अंदर ट्रांसमिट कर देगा। इसकी भी पुष्टि कर रहा हूं मैं। वाह, गोस्वामी जी क्या बोल रहे हैं, मोरे हृदय, मेरे हृदय में अस्विश्वासा, ये विश्वास है, मेरी ये धारणा है, मेरे हृदय की एक धारणा है, मोरे हृदय अस्विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा। वाह, कह रहे हैं परमात्मा से भी ज्यादा ताकत उनके भक्तों में है, संतों में है, वो क्यों, आओ बताता। मोरे हृदय प्रभु अस्विश्वासा, प्रभु से अधिक प्रभु के दासा। आगे बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं, राम सिंधु घन सज्जन वीरा, घन बादल को कहते हैं। परमात्मा तो एक सागर है भैया, सागर का जल आपके लिए कहीं से भी उपयोगी नहीं है, अगर पी लोगे लीवर फट जाएगा, साल्टेड है। कपड़े धोगे ना तो खुजली करते रहोगे दिन भर। वाह, इसलिए और खेत में अगर पड़ गया तो मेरे भाइयों खेत ऊसर हो जाएगी, लेकिन वही बादल, वही जल बड़वा नल की प्रक्रिया द्वारा बादल जो उठा के ला रहे हैं ध्रुव जल है। इसलिए राम सिंधु, परमात्मा तो सागर है, घन सज्जन बीरा, घन बादल को कहते हैं, संत तो बादल है, इसलिए वो आपके पास परिशोधित जल लाते हैं।
आपके पास परिशोधित जल रहते हैं, अब साहब ने भी इसकी बड़ी अच्छी पुष्टि की है। साहब ने बड़ी बेहतरीन पुष्टि की है इस तथ्य की। मेरा सहजो भाई भी कह रहे हैं, गुरु न तजू, वाह गुरु न तजू, प्रभु को तजदारू, परमात्मा को छोड़ दूंगी, गुरु सम हरि को न निहारू, मैं तो गुरु और परमात्मा को एक भी नहीं मानूंगी, गुरु बन क्या सहजो भाई एक महान संत हुई है, क्या जिद्दी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, उनमें हट नहीं था, वो तो सहज थी। सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मण सकल तीरथ गुरुचरण तो भी सदा अखंड। अब जो सरफरे कह रहे हैं कोई गुरु की जरूरत नहीं है तो समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं, वो उनकी फितरत और मेंटलिटी दूषित है, उनकी फितरत और मेंटलिटी दूषित है। तो इतनी बड़ी महिमा कह दी, चंदन तरु हरि संत समीरा, परमात्मा चंदन का पेड़ है, चंदन का पेड़ अपनी खुशबू लोक लोकांतर तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है, उसकी खुशबू को तो समीर हवा ही उठाकर लोक लोकांतर तक पहुंचाती है। अब कबीर साहब अपनी वाणी में, पलटू साहब एक बात, पलटू साहब बड़े धाकड़ संत कहलाए, पलटू साहब बड़े धाकड़ संत कहलाए, धाकड़ कहते हैं किसी से नहीं डरे। मैं पलटू साहब की निंदा नहीं करता हूं, सभी संतों को सम्मान करता हूं। साहेब की दरबार में करता केवल संत, करता केवल संत हुकुम में उनके साहब, हाँ कैसी बात बोल रहे हैं, बोला उनके आदेश पर वो काम करता है। और साहब कह रहे हैं, संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतों में यूं रहूं जस माखन में घी। अब यहां कबीर साहब उस देश के रास्ते के विषय में व्याख्या कर रहे हैं। मैं यहां पर किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, क्रिस्टोफर नोलन, उनको कई ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले हैं, लेकिन वो अभी बच्चे हैं, अभी वो एक छोटी सी सीमा में है। और कबीर एको जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक न जानिया तो जाना जाना जान। इसलिए ये बुद्धि से परे है, मन से परे है, चित्त से परे है, एक ऐसी ताकत तब वहां जाकर उससे आगे भेदा मारा, जानेगा कोई जाना ना रहा, कहे कबीर जानेगा भाई, वाह कह रहे हैं जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। तो इस तरह ये अध्यात्म जगत काल्पनिक नहीं है। साहब ने एक अद्भुत रहस्य इस ब्रह्मांड को दिया जो न भूत हो न भविष्य थे। क्षमा चाहता हूँ, कल इधर से सिलसिला शुरू करूंगा, समय हो रहा है साहब ने।